जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 श्रोमणी गुरु रविदास जी अमर रहे। इस पूरे समाज की अपील है कि जल्दी जहां से गुरु रविदास जी का मंदिर तुड़वाया है वहां पे उस मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, वरना इस देश के अंदर पूरा दलित जाग चुका है जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी को हम आज चेतावनी देते हैं, दलितों के साथ छेड़खानी बंद करें, अन्यथा वो हर्ष किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। बस ऐसे ही बयान भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बार बार सुनना पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी का एक मतलब कुछ लोग भगवा जनता पार्टी भी मानते हैं। अब ये जो बयान आपने सुना वो दरअसल राम मंदिर के लिए नहीं था, ये धमकी देने वाले बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हैं, और ये बयान उन्होंने दिल्ली के तुगलकाबाद में बने संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ जाने के बाद दिया। दरअसल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार जैसे ही डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा, बस उसके बाद से ही चारों ओर से होने वाला विरोध और बढ़ गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन जगहों पर तो प्रदर्शन हो ही रहे थे, साथ ही साथ अब देश के दूसरे राज्यों में भी विरोध के स्वर उठने लगे। पंजाब के जालंधर सहित कई शहरों में सड़कों पर चक्का जाम किया गया और प्रदर्शन किया गया। दिल्ली, हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले में संत रविदास जी जयंती समारोह समिति जो है उसका दावा है कि ये जो मंदिर है वो संत रविदास जी की याद में बनवाया गया था। जब संत रविदास जी आज से लगभग करीब 500 साल पहले बनारस से पंजाब की ओर जा रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर आराम किया था। उन्होंने यहाँ पर एक बावड़ी भी बनवाई थी जो आज भी मौजूद है, और जाति विशेष के लोगों का मानना है कि ये बावड़ी उनकी जाति के लोगों के लिए ही बनवाई गई थी और वे लोग इस मंदिर को बहुत शिद्दत के साथ मानते हैं। उस वक्त खुद सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को यहाँ की जमीन दान की थी। बस यही कारण है कि मंदिर के टूटने के बाद से उनका समाज नाराज है, साथ ही मंदिर से सिखों की आस्था भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सिख समुदाय के अनुसार संत रविदास जी की उच्चारण की हुई वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। लेकिन इन सब आस्थाओं को दरकिनार कर अगर फैक्ट देखें तो मंदिर का निर्माण हुआ करीब 1954 में, और ये मंदिर बना है तुगलकाबाद के जंगल की जमीन पर, और डीडीए का आरोप है कि मंदिर का निर्माण जंगल की जमीन पर किया गया था। इस बारे में कई बार इसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन संत रविदास जयंती समारोह समिति जो है उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी मंदिर को जंगल की जमीन से नहीं हटाया गया, और अब 9 अगस्त को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को ढहाए जाने का आदेश जारी किया और डीडीए के दस्ते ने उस मंदिर को हटा दिया। अब मंदिर तो ढहा दिया डीडीए ने, लेकिन शायद डीडीए ये भूल गया कि इस देश में आस्था से ऊपर फैक्ट नहीं माने जाते, और अगर माने जाते तो जो सरकार 370 हटाने जैसा साहसिक फैसला ले सकती है उसे राम मंदिर बनवाने में देरी नहीं लगती। पर वो जानती है कि बात अगर लोगों की आस्था से जुड़ी हो तो काम धैर्य रखकर ही किया जा सकता है। खैर, आपको एक खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।